हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय और मैं आज बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस ने आपको अनफॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ऐप को ओपन करेंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है इंस्टा प्रो सेटिंग, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे अनफॉलोइंग ट्रैकर, तो हमें इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है इनेबल फॉलोइंग ट्रैकर, तो हमें इसको इनेबल रखना है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा इनेबल है और यहाँ पे आपको दिख रहा है सेट चेक इंटरवल, तो मिनिमम 5 मिनट का देख सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ पे। और भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आधे घंटे घंटे का आप सेट कर सकते हैं। ये हर 5 मिनट में आपका जो डेटा है वो अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट अपडेट दिखा रहा है मेरा जो है वो 7 अक्टूबर, जो आज की डेट है 7 अक्टूबर 2021, और यहाँ का टाइमिंग शो कर रहा है। तो यहाँ जो अनफॉलोइंग लिस्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि किस किस ने आपको अनफॉलो किया हुआ है, कि कितने दिनों में ये अनफॉलो किया गया, ये सारी डिटेल देगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिंपली क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ से अगर आपका मल्टीपल अकाउंट है तो आप वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट को भी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो मैं चेंज करता हूँ, तो देखिए मेरे दूसरा मेरा जो ये अकाउंट है तो इस पर किसी ने अनफॉलो किया हुआ है, ट्रैक कर सकते हैं कि किसने आपको अनफॉलो किया है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंस्टाग्राम के डमी, जो कि हम इसको बोल सकते हैं इंस्टाग्राम प्रो ए मोड एपीके है, तो इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल इंस्टाग्राम में क्या होता है कि जैसे अगर आपको फ़ोटो और वीडियो डाउनलोड करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से जैसे कि यहाँ पर लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे, उसके बाद जा कर के कहीं ना कहीं से आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी आपको इस ऐप में नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें एक अच्छी बात और ख़ास बात ये है कि अगर आपको इमेज डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको दो चॉइसेस देता है। अगर मल्टीपल, अगर किसी भी अकाउंट के थ्रू मल्टीपल इमेज अपलोड किए गए हैं किसी अकाउंट पर, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, देखिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है डाउनलोड दिस पिक, डाउनलोड ऑल 10 पिक्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक साथ में 10 इमेज को अपलोड किया गया है। और अगर आपको सिंगल डाउनलोड करना है इमेज तो आप डाउनलोड दिस पिक पे क्लिक करेंगे, आपको 10 डाउनलोड करना है जो भी 10 इमेज है एक किसी के साथ में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ऑल पिक पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे इमेज जो हैं वो डाउनलोड होते हैं। लेकिन मैं अभी बताने के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है डाउनलोडेड स्टार्ट। तो मैं, और इसका एक अमेजिंग फीचर और भी है मैं बता देता हूँ कि यहाँ से आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे इंस्टा प्रो सेटिंग में और यहाँ पे देखेंगे थीमिंग ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो देखेंगे चैट बैकग्राउंड, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट ओरिएंटेशन यहाँ पे कुछ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और आपको ग्रेडियंट कलर और जो भी सब करना है, और यहाँ पे एक वॉलपेपर इमेज भी लगा सकते हैं, सेट बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे अपने गैलरी से चूज करके वो भी सेट कर सकते हैं। और मैं इस ऐप का लिंक जो है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगा। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.